खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे स्टेज अदाकारा किस्मत बेग की। स्टेज अदाकारा किस्मत बेग का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाली फनकारा के सेक्रेटरी अली ने इंकशाफ किया कि मकतूला ने दम तोड़ने से कबल कातिलों की निशानदेही कर दी थी। मिर्जा रमजान बेग की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में नामालूम अफराद के हाथों टारगेट किलिंग का शिकार होने वाली अदाकारा हिना उर्फ किस्मत बेग के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मकतूला के सेक्रेटरी अली ने इंकशाफ किया है कि अदाकारा ने वफात से कबल कातिलों की निशानदही कर दी थी। नॉमिनेटेड FIR हो गया आज। हाँ जी, और मैं आप लोगों के तवसफ से ये बता दूँ की जिसने भी ये करवाया है और जिसने ये किया है वो कानून से अब भुगतने का मकसद उससे निपटने के लिए तैयार हो जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अली ने मजीद कहा कि कत्ल की वारदात में शोबी से ताल्लुक रखने वाले मुखालफीन भी मुलविस हो सकते हैं। मुकदमे में जल्द ही मुल्जमान को नामजद कर दिया जाएगा। हाँ, बस कुछ शोबीज के ही मैटर है, कुछ हाँ उनके काम से भी कुछ प्रॉब्लम थी लोगों को, तो इंशाल्लाह आज सब ठीक हो जाए। ये तो शोबीज में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आप किसी भी जगह काम करते हैं, ये इसका ये इतनी बड़ी वजह नहीं बन जाती कि आप किसी की जान ले लें। पुलिस राय का कहना है कि वारदात में 9 mm और 30 बोर के पिस्तौल इस्तेमाल किए गए। तमाम गोलियां टांगों में मारी गईं, जिससे जाहिर होता है कि हमला आवरों का मकसद अदाकारा को कत्ल करना ना था। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ मिर्जा रमजान बेग, वक्त न्यूज़, लाहौर।